गाइस गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने यहाँ पे ना सरसों लगाया था, सोच रहा हूँ आज हार्वेस्ट कर दूँ। फ्लावरिंग पे आ गया है, देखो कितना सुंदर लगता है सरसों का फ्लावर। और आप सब कैसे हो ज़रूर बताना। तो आज मैं हार्वेस्ट करूँगा सरसों का। यहाँ का भी बड़ा बड़ा हो गया और दो तीन टमेटो भी, यहाँ पे दो तीन टमेटो है। और ये मेरा मैरीगोल्ड जो है फ्लावर आ गया है। और यहाँ मैंने थोड़ा चिल्ली का सीड डाला हुआ और टोमेटो का। ये मालाबार पीनट्स भी हो रखा है, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा साग हो जाएगा, इसको रख दूँगा नेक्स्ट टाइम के लिए। एक चीज़ बताता हूँ, ये ना अदरक में से भी फ्लावर निकलता है गाइस, ये दिख रहे हो, ये अदरक का और फ्लावर नीचे गिर गया है। बहुत सुंदर फ्लावर आता है, कलर देखो। और ये मेरा हर्ब्स है, ये देखो फ्लावर बहुत सुंदर लग रहा है। चीप है ये, गार्लिक चीप है। और ये ऑनियन, इसका खाली फ्लेवर ऑनियन जैसा आता है, एडेबल है। और इसका फ्लेवर गार्लिक जैसा आता है। ये हमारा पहाड़ियों में बहुत खाया जाता है। और यहाँ पे देखो मेरा धनिया कितना सुंदर है। ये सीड्स मुझे ना छत पे खेती करके एक फ्रेंड है मेरा, उनका भी चैनल है, वेस्ट बंगाल से भेजा है। और यहाँ पे देखो इस ये बैंगन है, गोल वाला बैंगन, इसको भी आज मैं हार्वेस्ट करूँगी। वेदर बहुत ठंडा है यहाँ पे बेंगलोर में, देखो आप सन नहीं है, खाली काला काला बादल है। यहाँ पे दो चिल्ली लगा हुआ है, वो भी सूख गया पक के, ये भी उठा देता हूँ, दिख रहा है। और मेरा इतना सारा ग्रीन चिल्ली भी है यहाँ पे, अभी नहीं चाहिए। और यहाँ नीचे में एक है, मैं अभी तुलसी को पूरा हटाने वाला हूँ, क्योंकि ये बाहर का साइड है ना, इसलिए। ये सुंदर सा फ्लावर, ये डल्ले चिल्ली है। अच्छा लगता है, चटनी भी हो जाएगा। और मेरे पास वो भी है, धनिया भी है, टमेटो चिल्ली धनिया का चटनी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी है, इसको ना इस तरह से मैं पूरा ही उखाड़ देता हूँ। और कुछ भी डालना है मुझे, देखो कितना अच्छा ग्रो हुआ है। बीच बीच में धनिया भी है, तो उसको बचाना है थोड़ा, वो धनिया ना बीच में फंस गया। बहुत सुंदर खुशबू आ रहा है, देखो गाइस। एक कंटेनर से मैंने इतना सारा हार्वेस्ट कर लिया। और भी यहाँ पे, और इसके साथ में धनिया भी है, तो थोड़ा संभाल के एक एक करके निकालना पड़ेगा मुझे। ये है ना, ज़्यादा रखा तो क्या होता है, बहुत हार्ड बन जाता है, तो इसलिए अब ये बिल्कुल खाने का लायक है, देख रहे हो। इतना अच्छा सब्जी घर में मिल जाए और क्या चाहिए, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता, बस किचन से जो भी आप सरसों यूज़ करते हो उसको लाओ और छिड़क दो मिट्टी में, हो जाता है। और बहुत हेल्दी भी है सरसों, मेरा फेवरेट है, देखो इतना फ्रेश ऑर्गेनिक। सारा उठा लिया, देखो आप दो ही बकेट से इतना आ गया, और क्या आया
ग्रीन लीफी वेजिटेबल। और यहाँ मैंने धनिया को छोड़ दिया हूँ, और यहाँ और छोटा छोटा है, और एक बार हार्वेस्टिंग मिलेगा हमको। यहाँ पे एक है, बहुत अच्छा लगता है ये मुझे, भात भी एकदम लाल लाल हो जाता है। फाइनली हमारा ये बैंगन, देखो अच्छा लग रहा है, फ्रूट मैंने कि फ्रूट होता है ना वैसा लग रहा है। निकल जा, इतना टाइट क्यों है, निकल नहीं रहा है। निकल गया, देखो आप सुंदर है ना। सो गाइस देखो ये है मेरा आज का हार्वेस्टिंग, मुझे एक लाल साग भी मिल गया और बहुत सारा सरसों का पत्ता मिल गया, और एक बैंगन, चिल्ली, टोमेटो। कैसा लगा हार्वेस्टिंग? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव सभी को।